दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फूडिनिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद की टॉप मोस्ट बेस्ट वेज रेस्टोरेंट। और गाइज आपको इस वीडियो के जरिए इलाहाबाद के बेस्ट रेस्टोरेंट की लोकेशन भी मिल जाएगी और साथ ही आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये सारी जगह फाइन डाइनिंग है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो गाइज हमारा पहला वेज रेस्टोरेंट है माखन्स, ये सिविल लाइन्स में है। माखन रेस्टोरेंट प्योर वेज रेस्टोरेंट है और आप यहाँ का एम्बियंस देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पे स्टार्टर टू मेन कोर्स सब तरह की डिशेस वगैरह मिल जाएगी और यहाँ की स्पेशलिटी है माखन्स किंग थाली जो कि यहाँ हमने ऑर्डर की थी। सो गाइस माखन किंग साइज थाली में आपको स्टार्टर टू मेन कोर्स विद डेजर्ट सारी चीज़ें मिलती हैं और हमारा ये स्टार्टर है। यहाँ पे आपको टू वैरायटी ऑफ सूप मिल जाएगा और वेज कबाब है, ये इनका स्टार्टर का है। सो गाइस ये मैंने लिया है वेज कबाब और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, इसमें इन्होंने पनीर की स्टफिंग कर रखी थी, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं। यस, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है और जो पनीर की स्टफिंग है वो काफ़ी स्पाइसी है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली इसकी चटनी वो बहुत ही अच्छी थी और साथ में हमें स्टार्टर में मिला है ये सूप। दो वैरायटीज ऑफ सूप देते हैं, एक है कॉर्न सूप और एक है टमाटो सूप, दोनों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप इसमें चॉइस कर सकते हो, आपको अगर चार सूप मिलेंगे आप उसमें टमाटो करना चाहो या स्वीट कॉर्न करना चाहो, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो उसमें। सो फ्रेंड्स वेट इज ओवर, माखन्स की यूनिक डिश जो कि इनकी किंग साइज थाली है, आप देख सकते हो आ गया है, कितना रॉयल लुक लग रहा है, हमें कितनी वैरायटीज ऑफ डिशेस मिले हैं। सो फ्रेंड्स हमें थाली में मिली है खीर, इसमें आपको दो प्याले खीर मिलती है, रायता है, जीरा आलू की सब्जी है, मिक्स वेज है, मशरूम है, मटर मशरूम है, पनीर बटर मसाला है, मलाई कोफ्ता है, दाल मखनी है और प्लेन दाल है। और साथ में मिले हैं हमें ये पापड़, मूंग दाल का हलवा है, चार पीस गुलाब जामुन है, राइस है और एक किंग साइज नान है। और साथ में हमको मिलते हैं लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी और ये तंदूरी रोटी। तो गाइस चलिए अब हम लोग ट्राई कर लेते हैं इन सारी चीजों को, दिखने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मशरूम ट्राई कर रही हूँ और सब्जी देखने में तो बढ़िया है एंड यस इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया, स्पाइसी है, स्मोकी फ्लेवर बहुत बढ़िया लगा मुझे सब्जी का। और मैं ट्राई कर रहा हूँ पनीर बटर मसाला, आप साइज देख सकते हैं पनीर की कितना सही है। यहाँ पे मैंने मिक्स वेज ट्राई करी है, इनकी ओवरऑल सब्जियाँ देखी जाए काफ़ी स्पाइसी थी, टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा इस पूरी थाली का। और ये जो थाली है तीन से चार लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे खीर ट्राई करी है, खीर का भी टेस्ट बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी, नॉर्मल टेस्ट है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सब कुछ ट्राई किया, लिटरली बहुत ही डिलीशियस सारी चीज़ें हैं, आप आइए आपको ये थाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है। सो गाइज हमने ये थाली फिनिश कर ली है, तीन से चार लोग आराम से खा सकते हैं इस थाली में। सो फ्रेंड्स हमारा सेकेंड वेज रेस्टोरेंट है सागर रत्ना, ये इलाहाबाद का टॉप मोस्ट बेस्ट रेस्टोरेंट में आता है, डाइनिंग से लेकर इनका सर्विस और फूड बहुत ही पॉपुलर इलाहाबाद में। सो गाइज आप यहाँ का इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही रॉयल लुक है, सोबर इंटीरियर है इनका, दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पनीर रोगन जोश, काजू कोरमा और तंदूरी रोटी। चलिए अब हम इन सारी चीजों को टेस्ट भी कर लेते हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रेवी काफी बढ़िया लग रही है सब्जियों की। सागर रत्ना की स्पेशलिटी उनकी साउथ इंडियन डिश, बट यहाँ की बाकी डिशेस को भी ट्राई करिए, बहुत ही डिलीशियस है। हम लोग ने यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस तो बहुत बार ट्राई किया है, आज पहली बार हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडियन डिशेस को ट्राई कर रहे हैं,
लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये। यहाँ की सारी चीज़ें हम लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगी है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है ये। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड रेस्टोरेंट है काकी दी हट्टी, ये भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट का हमने फुल रिव्यू भी किया है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं और स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, दो तरफ डाइनिंग का एरिया इन्होंने बना रखा है, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आप अपनी फैमिली गेट टुगेदर यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। और यहाँ की स्पेशलिटी है जैसे कि आप सब जानते हैं इनकी नान है, किंग साइज नान। गाइज हमने यहाँ पे सारी चीज़ें तंदूरी मंगाई थी, जैसा कि हमारे कई व्यूवर्स के कमेंट्स आए थे कि उनको उन्होंने मटके में सर्व नहीं किया था। गाइज आपको तंदूरी बोल करके ही सारी सब्जी ऑर्डर करनी पड़ेगी, तभी वो आपको मटके में सर्व करेंगे। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था तंदूरी दाल मखनी, तंदूरी सोया मसाला चाप, तंदूरी धुआंधार पनीर बटर मसाला और ये है हमारा वेज पुलाव। चलिए सारी चीज़ें हम ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस ये जो धुआंधार पनीर बटर मसाला है ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप उसको स्पाइसी करवा लीजिए। और यहाँ की सारी सब्जियों का टेस्ट बहुत बढ़िया है और आपको यहाँ पे लाइव मॉकटेल काउंटर भी मिल जाएगा, आप यहाँ मॉकटेल बनते हुए भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ का एम्बियंस और मॉकटेल वगैरह, मॉकटेल की अच्छी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आप यहाँ विजिट करते हैं तो यहाँ की काके दी हट्टी की सिग्नेचर डिशेस ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सो गाइस हमारा फोर्थ वेज रेस्टोरेंट है करी लीव साउथ इंडियन किचन, इनकी स्पेशलिटी है साउथ इंडियन डिशेस, यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ साउथ इंडियन डिशेस मिल जाएंगे, उत्तपम टू वीआईपी डोसा। Yes, हम लोग ने यहाँ पे VIP डोसा ट्राई किया है। So guys, हमारा फर्स्ट डिश आ चुका है, ये है पंचरत्नी उत्पम। इसमें आपको 5 पीसेस ऑफ उत्पम मिलते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट में होते हैं और इनका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, चटनी और उत्पम का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक भी मिलती है, उसको हम रसम कहते हैं, ये साउथ इंडियन का एक तरह से सूप भी आप बोल सकते हैं, वो भी हमने ट्राई किया है बट वो वीडियो में है नहीं, बट आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए और उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, वो बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं करी लीफ के किचन के अंदर, हमारी डिश बनने जा रही है कुलियप्पम, इसको और भी नाम से जाना जाता है अप्पम और एक और शॉर्ट फॉर्म अप्पे के नाम से। हमारा कुलियप्पम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। नेक्स्ट डिश हमारी बन रही है वीआईपी डोसा, आप देख सकते हैं ये 4 फीट का वीआईपी डोसा बन रहा है और ये यहाँ की स्पेशलिटी भी आप बोल सकते हैं और ये 2 पीपल सर्विंग होता है, दिखने में काफ़ी बढ़िया है और इसको जाइंट डोसा के नाम से भी जानते हैं लोग, बट यहाँ पे आपको इनके मेन्यू में वीआईपी डोसा के नाम से मिल जाएगा, इसकी प्राइस 270 है। ये पेपर डोसा है, इसकी स्टफिंग आपको साथ में दी जाएगी, सांभर चटनी ये सारी चीज़ों का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया लगा था। ये करी लीफ का भी हम प्रॉपर फुल रिव्यू कर चुके हैं, इसकी भी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप यहाँ विजिट करिएगा, आपको यहाँ पे साउथ इंडियन की काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है, प्राइस भी रिजनेबल है, ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ पे। तो गाइज हमारा फिफ्थ वेज रेस्टोरेंट है कस्बा, ये भी पूरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ये इनका आउटर व्यू है और यहाँ पे आप पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये लॉन एरिया है इनका और ये इनका इंटीरियर है, इनर पोर्शन है, दो तरफ का इनका डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी कस्बा की स्पेशल थाली जिसमें हमें वैरायटीज ऑफ चीज़ें मिली हैं, राइस सैलेड, आलू की सब्ज़ी, मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी एंड दाल मखनी और साथ में मिली हमें तवा रोटी। तो चलिए सारी चीज़ों को मैं ट्राई कर लेती हूँ। पनीर की सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी स्पाइसी भी थी और थोड़ा सा स्वीट सा फ्लेवर भी है इसमें, बढ़िया था।
ये मैं यहाँ पे मिक्स वेज ट्राई कर रही हूँ। ये सब्ज़ी का भी टेस्ट ठीक ही है, थोड़ा सा इसमें नमक कम था बट टेस्ट मुझे अच्छा लगा था। और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ आलू जीरा, इसमें जो एक स्मोकी फ्लेवर है सब्ज़ी में वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और हमारी थाली फिनिश हो चुकी है और साथ में हमें मिला है ये डेज़र्ट। डेज़र्ट में मुझे मिला है आइसक्रीम जिसमें इन्होंने चॉकलेट सिरप वगैरह डाल रखा था, टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके नॉलेज में और भी वेज रेस्टोरेंट है तो हमें वो ज़रूर बताइए, हम वहाँ भी शूट करके आपको रिव्यू देंगे। सो गाइज, ये सारी प्लेसेस जहाँ पे हमने विजिट किया है, जो भी डिशेस हमने ट्राई करी है, उससे प्राइस रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, फूडीनिक्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। इलाहाबाद में कोई भी नया रेस्टोरेंट वगैरह खुलता है उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगी। ये सारी जगहों पर आप अपनी फैमिली के साथ विजिट करिए। स्टे सेफ, लिव बेटर, हैप्पी न्यू ईयर।